स्वागत है आप सभी का रचित राव ब्लॉग्स के अंदर। आज भाई मैं आपको लेके आऊँ पनवेल के पहले QSR कैफे के अंदर, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर। भाई यहाँ पर ये लोग पर्शियन और एशियन फूड का कॉम्बिनेशन सर्व करते हैं, और साथ ही साथ इसको स्टार्ट किया है TAPI और मणिपाल यूनिवर्सिटी के कुछ एलुमनाइज ने मिलकर। आपको सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जो कि है 8 रुपीज में आपको 8 मोमोज मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ वियतनामीज कॉफी, साथ ही साथ थाई टी और बहुत सी चीजें। और यहाँ का जो एम्बियंस है भाई साहब गजब है। मतलब आप एक बार यहाँ पे आओगे तो आपको समझा कि भाई एम्बियंस क्यों गजब है। बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत बढ़िया फोटोज भी आते हैं। तो भाई बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमको मिलने वाला है। ये हमारा किचन है और यहाँ पे अब हमारे खाने की चीजें बनने वाली है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और थोड़ा सा हमने जो है नींबू चिल्ली की, ओके पहला निवाला लेके देखते हैं, देखते कैसा लगता है। देखिए पास से भाई परफेक्ट निवाला बन चुका है इसका, ठीक है रेडी आइए भाई। जो USP है वो यहाँ पे आ चुका है। एक बार गौर फरमाइए हमारे मोमोज की तरफ, जो कि है बटर चिकन भाई, यानी यहाँ पर जो है टेस्ट गजब से होने वाला है। ओहो ये देखिए बहुत गजब, ठीक है हमने इसको बनते हुए देखा था, अंदर की फीलिंग भी हमने पूरी देखी हुई थी, ठीक है अब जो है वक्त आ चुका है इसको टेस्ट करने का। और एक खास बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो है एक चटनी है, ठीक है ये चटनी है, ये स्पेशल है, ये आपको सिर्फ बटर चिकन मोमोज के साथ में ही मिलेगा। मैं को लेता हूँ, इसके अंदर डिप करता हूँ। ओहो ये देखिए भाई क्या बात है, बहुत सुनहरी चटनी है, ठीक है देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है, ठीक है ना किसी देरी के इसको टेस्ट करते हैं। जो है देखिए भाई चटनी को देखिए, चार चांद लग रहे, टेक्सचर है वो हल्का सा ग्रेनी है, चिकन मोमोज है, ठीक है इसको भी हम खोल के देखते हैं। पहले तो ये वाली टेस्ट करके देखते हैं, ये वाला थोड़ी स्पाइसी लग रही है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। ₹100 में 8 चिकन स्टीम मोमोज मिल सकते हैं, और ये दोनों चटनी आपको मिलेगी। दोनों चटनियों के साथ अलग स्वाद लगता है और बहुत ही बेहतरीन स्वाद लगता है। दूसरी खास बात, पनवेल में नहीं देखा
भाई कोई भी चटनी ना मन भर के नहीं देता, और यहाँ पर जो चटनी दी है वो काफ़ी सारी दी हुई है हमको, और हम चाहिए तो अलग से मांग भी सकते हैं। तो यहाँ पे मशरूम मोमोज मिला है, यहाँ पे वेज मोमोज है, और यहाँ पे पनीर फ्राइड मोमोज हमको देख रहा है। ये हमारे मशरूम चीज़ मोमोज, अब इसके अंदर हर चीज़ को ग्रेट करके डाला हुआ है, ग्रेट यानी इसको छान के डाला हुआ है बढ़िया तरीके से। ट्राई करके देखते हैं, उसके अंदर अलग फीलिंग है, ये थोड़ा हल्का सा मंचूरियन टाइप वाला फीलिंग लग रहा है, देखते टेस्ट करके कैबेज वगैरह दिख रहा है, वेजीज वगैरह लग रहा है। हाँ हाँ, ये देखें, ये तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, दिख के भी आ रहा है। ये देखें, अभी जो है हमारे पास लोग की बनाओ तो मोस्ट यूनिक आइटम आ चुकी है, जो कि है यहाँ पे वियतनामीज कॉफी, आइस कॉफी, और दूसरा है यहाँ पे थाई टी। अब खास बात इस वाले की ऐसी है कि ये जो है स्लाइटली क्रीमी और वुडी होता है फ्लेवर के अंदर, और ये वाला जो है बहुत प्रोटीन से भरा होता है, बिकॉज थाई के अंदर लिटरली लोग अपना एक टाइम का होल मील स्किप करके एज ए सब्सटीट्यूट ये टी पिया करते हैं। अब दोनों का आपको रेट भी बता देता हूँ कि ये दोनों जो है 109 रुपीज़ के है। नाउ इट मस्ट बी कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, बट जितना क्वांटिटी ये लोग सर्व कर रहे हैं और जितना क्वालिटी, यानी हर चीज़ को पोर्शंस में बनाया गया है बढ़िया पोर्शन लेके, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ दैट। अभी सिर्फ टेस्ट से हमको समझेगा कि इज इट रियली वर्थ दैट मच और नॉट। अगर आपको आके पीना है, अगर आप स्टारबक्स में ले सकते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी ये कॉफी ट्राई करना ही चाहिए। इसका जो टेस्ट है कुछ इस तरीके से कि आप मानो आपने चाय बनाने के लिए दूध और चाय को मिक्स तो कर दिया और उसको गर्म करना चालू कर दिया, बट अभी तक पूरा चाय पका नहीं है, पूरी तरीके से बॉइल हुआ नहीं है, ठीक है। तो बॉइल ना होते ही अगर आप उसको निकाल लो और टेस्ट करो, जिसके अंदर दूध का जो टेस्ट है वो थोड़ा ओवर पावर करेगा और उसके अंदर स्लाइटली एंटर करेगा हमारा चाय, वो वाला फील इसके अंदर। भाई अगर जो आपको वीडियो में दिखाई हुई हर चीज़ अच्छी लगी होगी तो भाई डेफिनेटली फर्स्ट एशियन में आके डेफिनेटली हर चीज़ ट्राई करना, और साथ ही साथ भाई अगर आपको भूख लग गई है वीडियो देख कर तो वीडियो को सब्सक्राइब करने के बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही साथ भाई एक चीज़ आपको बता दूँ इस जगह के बारे में कि यहाँ की फ्रेंचाइजी ये लोग एक्सपांड करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इनकी फ्रेंचाइजी बाय कर सकते हो। अगर आपको करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बोल दूँ कि इनकी फ्रेंचाइजी अभी लेने का बहुत बढ़िया टाइम, बिकॉज ये नई फ्रेंचाइजी है तो आपको जो है थोड़ा कम रेट में भी मिल जाएगी, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर आपके स्टेक होल्डर ओनर साथ ही साथ आपके वर्कर का ग्रोथ कल्चर ज़्यादा प्रमोट होता है, साथ ही साथ आपने किचन में देखा बहुत पॉश एवन हाइजीन को पूरी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट ट्राई फ्रेंचाइजी, आपको फ़ायदा होगा अगर आप काफ़ी ज़्यादा फूडी हो और लोगों को खिलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हो। खैर इसके अलावा इतना ही बोलूँगा कि स्टे हेल्दी स्टे फिट बट डोंट फॉरगेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे हंग्री।